अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहीन फैंसी बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन ये कॉलर बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर आपको इस तरीके की पोत लगेगी वाइट कलर की। ये जेको की पोत है, आप इस तरीके से पोत ले लीजिए और उसके अंदर यूज़ होगा ये मोती। ये मार्केट में 4 नंबर मोती बोला जाता है इसे, आप इसे 4 नंबर मोती बोल के भी ले सकते हैं। और आपको चाहिए ये तरदोजी और इस तरीके का नीडल, ये 7 नंबर नीडल है लकड़ी में, मुट्ठी की नीडल है ये। और ये एक तार का नीडल भी आपको चाहिए और इस तरीके की कैंची और ये रेशम यूज़ करें अपन, इस तरीके का रेशम। ठीक है दोस्तों, आप शुरू करते हैं अपन अपना वर्क। ये है रिंग दोस्तों, इसके ऊपर स्टोन चिपकेगा जो नोक वाला होता है, क्योंकि उसके ना नोक होती है वो कपड़े पे बराबर नहीं चिपकता, निकल जाता है। इसके लिए अपने को ये रिंग लगाना पड़ता है। आपको स्टोन के बाजू बाजू से ऐसा पोत सिलना है और आपको ये पोत सिर्फ दो दो करके सिलना है उसमें। ठीक है, ज़्यादा पोत डालेंगे तो डिज़ाइन बराबर नहीं बनता है और उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। आपको इसी तरीके से फूल की आउटलाइन करना है। अपन ने छपाई दोस्तों, मैंने एक अंदाज़े के लिए मैंने इसको बनाया हूँ, आप सिलने में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। इस तरीके का बैठन ये आपको मिल जाएगा आराम से। और ये है दरदोजी, आपको इसको ऐसा पकड़ना है और इसको थोड़ा सा कैंची में रख कर हल्का खींचना है ताकि इसमें थोड़ा लंबापन आ जाए, खिंचावपन आ जाए, ताकि मतलब अपने को डिज़ाइन सिलने में आसानी हो। अब अपने को इसको काटना है, अपने को पत्ती कितनी बड़ी लेना है वो साइज़ में। अब अपने को मीडियम, ये 1/2 इंच से छोटा है। पत्ती सिलने का तरीका देखिए दोस्तों, किस तरीके से मैं सिल रहा हूँ। इसमें नीचे आपको एक पेटल डालना है यूँ, और आपको एक टाका एक्स्ट्रा उसके आगे मारना है और इसको उसी के ऊपर हल्का सा ऐसा दबाना नहीं है दोस्तों, ऐसा हल्का रखना है आपको बस यूँ।
ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और गुंडी, ये तीन गुंडी का ये अपना पत्ता रेडी हो गया है। आपको इसी तरीके से अपने पूरे पत्ते रेडी करना है। इसमें एक कली के अंदर मैंने 5 पत्ते लिया हूँ। इसी तरीके की प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसी तरीके से फिनिशिंग में आप ये आपको हो जाएगी, बन जाएगी, बनाना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अपनी बूटी का, अब अपने ये पत्तियों का वर्क कर दिए है। अब इसके अंदर दोस्तों अपने को और भरा करना है। यह है हाफ फाइट रेशम, रेशम बोलते दोस्तों इसे, और आपको ये सुई लगेगी, चीरवा सुई बोलते हैं इसे। ये गीट वगैरह सिलने में बहुत अच्छी होती है। अब आपको ये बनाना है 8 तार, 8 का 16 करना है दोस्त। तो आप कैसा करेंगे इसे, फिर ये हो गया, फिर एक और बार पकड़ना है, ऐसा खींचता है दोस्तों। ये कितने तार हो गए, 6 तार हो गए। अब एक बार और करेंगे अपन लोग, ये हो गए 8 तार, 8 का ये अपन बनाएंगे दोस्तों 16। ठीक है, इसको कटिंग कर दीजिए ऐसा। ये चीरवा पत्ते में पुराना बहुत आसान होता है और इससे कीट वगैरह बहुत अच्छी बनती है। ये सुई स्पेशल उसके लिए होती है। और आपको यूं इस तरीके से खींच लेना है इसे, और दोस्तों इसको ऐसा पकड़ के यूं राउंड लेना है, उसको यूं पकड़े, फिर यूं गोल घुमाए, फिर यूं पकड़े, फिर यूं गोल दिए, फिर यूँ करें। ये 3 बार करना है अपने को दोस्तों, 3 बार हो गया। अब इसको यूँ पकड़ना है और इसको यूँ पकड़ के यूँ खींचना है हल्का यूँ, और उसके बाद आपको ये छेड़ा जो पकड़े आपने यूँ गीट, आपको इस तरीके से दे देना है। ये लग गई गीट, और ये छेड़े को आपको यहाँ से काट देना है। अब शुरू करते दोस्तों अपन अपना काम।
आपको बंद जो है दोस्तों स्टार्टिंग जो करेंगे आप तो बाहर से करना है आपको, इधर ये साइड से, ताकि सिलने में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गीट आती है तो बनता नहीं बराबर। ऐसा लिए दोस्तों आपने और इसको यूं पकड़े, पहले एक राउंड, दो राउंड, ये तीन राउंड दे दिए, फिर इसका गैप अपने को इतना रखना है दोस्तों। और ये पोत को सटा के इधर इतना डाले और हल्का खींचे, जितनी अपने को गेट चाहिए उतना उसको रखना है। उसके बाद एक हाथ से एक इसको पकड़ना है और हल्का सा उसको छोड़ देंगे, आप बन जाएगी दोस्तों गेट। देखिए ये बन गई गेट। अब उसी तरीके से अपने को अपने साथ इस तरीके से फूल अपने को रेडी करना है पूरा। ये आप ये सिलना बहुत आसान है दोस्तों, कल ये आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सिलना है कि फूल में गीट आने से बहुत अच्छा नज़र आता है बनने के बाद। ये देखिए दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनाना आ जाएगा, बहुत इजी है। और पैक करने का इसका तरीका यही है कि एक टाका होने के बाद एक्स्ट्रा फिर काट दीजिए आप उसको, ठीक है। इसके अंदर पोत और मोती का वर्क और करना है पत्तों के बीच बीच में, ताकि ये इसमें भरा नज़र आए। ये इस तरीके से आपको एक मोती और दो पोत इस तरीके से रखना है, और दो मोती एक पोत इस तरीके से, दो पोत एक मोती आपको इस तरीके से रखकर इसको पैक करना है। ये कॉलर है दोस्तों, आप इसको कुर्ती में भी बनवा सकते हैं, शेरवानी में भी। आपको इसी तरीके की आपको कॉलर भरना है, ठीक है।
रिंग के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा टाका मारना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो स्टोन उसके ना बैठ जाए बराबर। कट डाने का भी यूज़ करेंगे अपन। अपने को ये पूरा अपन इससे कवर करेंगे, उसे किस तरीके से कवर करेंगे ये देखिए। अपने को दोस्तों एक्स्ट्रा टाके पे इसको इस तरीके से भरना है, इसे जितनी भी खाली जगह नज़र आ रही है इस तरीके से जिग-जिग बोलते हैं इसे, आप इस तरीके से जिग-जिग भर दीजिए, ये जो भी खाली जगह है उसमें इसे कवर करिए, ये इस तरीके से पूरा। इससे दोस्तों पूरा डिज़ाइन भरा हुआ नज़र आता है। ये अपना डिज़ाइन अब रेडी हो गया है। आप इसी तरीके से
अपनी कॉलर बना सकते हैं। ये बूटा बाय बूटा है, इधर एक बूटा इधर, ऐसा करके आप अपनी पूरी कॉलर रेडी कर सकते हैं। ये इस तरीके से पूरी, देखिए दोस्तों कॉलर अपनी ये रेडी हो गई है। अब ये देखें, इस तरीके से आपको पूरी कॉलर रेडी करना है। ये देखिए, ये आपकी कॉलर इस तरीके से पूरी रेडी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन नज़र आएगी बनने के बाद। ये देखिए, अब अपने को लगाना है दोस्तों स्टोन। अब इसका स्टोन लगाने का तरीका देखिए, आप इसी तरीके से स्टोन लगाना, क्योंकि कमेंट करे मुझे बहुत से कि मेरे स्टोन निकल जाते हैं, तो उसका तरीका आप देखिए। अगर नोक वाला अगर आपके पास स्टोन है इस तरीके का, ये नोक वाला स्टोन है दोस्तों, नीचे से नोक है, ये कांच का स्टोन है। अगर आप इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके के रिंग के ऊपर उसको चिपकाना है ताकि उस पर मजबूती पकड़े हो। अब इसका तरीका देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से रिंग के अंदर तक आना हो, इस तरीके से स्टोन लगा फेविकोल लगाना है आपको। ये देखिए, इस तरीके से आपको फेविकोल लगाना है, ठीक है। और ये चीज़ है माचिस, आपको थोड़ा सा फेविकोल लगा लेना इसमें, ये घर में यूज़ होने वाली चीज़ माचिस। और आपको इस तरीके से स्टोन लगाना है उसका, इससे माचिस की काड़ी से दोस्तों आपको बैलेंस मिलेगा स्टोन चिपकाने का, और अच्छा लगता है, इससे चिपकता मजबूत है। अपने को जितना मजबूती चाहिए उसके अंदर काड़ी सपून उसे डीप करो। ये इस तरीके से आपको स्टोन लगा देना है, ये बस। ये दोस्तों अब अपना डिज़ाइन ये रेडी हो गया है। इस तरीके से आपको कॉलर अपनी रेडी करना है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।